प्रदान करते हुए ब्लड डोनेशन में भी अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मारवाड़ी युवा मंच ने दुमदुमा में पहली बार इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, जहां दुमदुमा के विभिन्न अंचलों से लोग अपना रक्त के एक मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच के तमाम सदस्यों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही मैं मारवाड़ी युवा मंच के तमाम सदस्य जो पूरी श्रद्धा समर्पण की भावना से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज देश के महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसे पूरा देश धूमधाम से मना रहा है, और इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। युवा के बिना कोई भी राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, और आज ये अद्भुत उदाहरण हमें युवा मंच दुमदुमा शाखा के जो सदस्य में देखा गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, और आशा करता हूँ कि युवा इसी प्रकार समाज के कार्य में अपने उत्तरदायित्व को करते रहेंगे और समाज में एक सकारात्मक विचारधारा जागरूक करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच दुमदुमा शाखा की ओर से आज महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रयास से ये रक्तदान पूरे पूर्वोत्तर में किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच दुमदुमा शाखा अपने इस कार्यकाल में प्राय 400 से भी अधिक रक्तदान लोगों तक पहुंचा चुकी है, जो कि लाइव डोनेशन हुआ है। और आज रक्तदान शिविर के शिविर से हम काफ़ी संख्या में रक्त संग्रह करके डिब्रूगढ़ रक्त मेडिकल कॉलेज में रक्त की पूर्ति करने जा रहे हैं। इसी बीच में हमारे रुपाई बटालियन से वीर सैनिक आकर के रक्तदान का काफ़ी संख्या में रक्तदान कर रहे हैं, और मैं आग्रह करता हूँ रक्तदान करने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान करने से किसी का कुछ घटता नहीं है, रक्तदान करने से बहुत कुछ मिलता है और लोगों की सेवा होती है। आगे आइए, आप भी रक्तदान कीजिए। धन्यवाद। हमेशा से सामाजिक उत्तरदायित्व का भान करते हुए ब्लड डोनेशन में भी अपना एक मुकाम हासिल कर चुका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मारवाड़ी युवा मंच ने दुमदुमा में पहली बार इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, जहां दुमदुमा के विभिन्न अंचलों से लोग अपना रक्त के एक मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच के तमाम सदस्यों की तरफ से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही मैं मारवाड़ी युवा मंच के तमाम सदस्य जो पूरी श्रद्धा समर्पण की भावना से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए भी मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज देश के महान क्रांतिकारी श्री सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसे पूरा देश धूमधाम से मना रहा है, और इसे हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति होती है। युवा के बिना कोई भी राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, और आज ये अद्भुत उदाहरण हमें युवा मंच दुमदुमा शाखा के जो सदस्य में देखा गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, और आशा करता हूँ कि युवा इसी प्रकार समाज के कार्य में अपने उत्तरदायित्व को करते रहेंगे और समाज में एक सकारात्मक विचारधारा जागरूक करेंगे। मारवाड़ी युवा मंच दुमदुमा शाखा की ओर से आज महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के प्रयास से ये रक्तदान पूरे पूर्वोत्तर में किया जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच दुमदुमा शाखा अपने इस कार्यकाल में प्राय 400 से भी अधिक रक्तदान लोगों तक पहुँचा चुकी है, जो कि लाइव डोनेशन हुआ है। और आज रक्तदान शिविर के शिविर से हम काफ़ी संख्या में रक्त संग्रह करके डिब्रूगढ़ रक्त मेडिकल कॉलेज में रक्त की पूर्ति करने जा रहे हैं। इसी बीच में हमारे रुपाई बटालियन से वीर सैनिक आकर के रक्तदान का काफ़ी संख्या में रक्तदान कर रहे हैं, और मैं आग्रह करता हूँ रक्तदान करने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान करने से किसी का कुछ घटता नहीं है, रक्तदान करने से बहुत कुछ मिलता है और लोगों की सेवा होती है। आगे आइए, आप भी रक्तदान कीजिए। धन्यवाद।